नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आशुतोष पांडे। आज एक नए तरह के वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको उतना ही पसंद आएगा जितना और वीडियोस पसंद आते हैं। इसके पहले वीडियो स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जहां आपको मेरा वीडियोस दिख रहा है उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब पर टिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए वहां पे बगल बेल छपा होगा, उसको बजा दीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए। ओके, आज का मुद्दा है भारत की मिट्टी। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था तो कुछ मित्र हमारे भारत की मिट्टी के ऊपर काफी बहस करने लगे। काफी अच्छा लगा कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा था और बहुत ही अच्छा था कि वो लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये भारत की मिट्टी, जो कि आजकल मानसून का समय चल रहा है और भारत में मिट्टी और जलवायु दोनों अगर अच्छी हैं तो समझ लीजिए कि हमारी फसल और हमारी कृषि कैसे अच्छी होगी। आज मैं भारत की मिट्टी पढ़ाने चल रहा हूँ। फिलहाल अभी मैंने भारत का मानसून नहीं पढ़ाया है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद में भी आपको भारत के मानसून और भारत की समस्त प्राकृतिक चीजों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं आपको अमेरिका महाद्वीप वीडियो डाला हूं, उसके बाद यही वीडियो आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुख्य मुद्दे पे आते हैं, भारत की मिट्टी। पहले बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी का अंग्रेजी पर्यायवाची होता है सॉइल, जो कि लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श, यानी सोलम का मतलब होता है फर्श। पर अब जानते ही होंगे कि मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, अगर यह ना होता तो शायद जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो चलिए बात करते हैं कि ये मिट्टी कि क्या कारक होते हैं, इनके उपलब्ध करने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है, उसकी बातें करने चल रहे हैं। जैसे मूल पदार्थ, धरातली दशा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, समय आदि का इस पे प्रभाव पड़ता है। एक एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कई साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाता है। वाकई में 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में, यानी मिट्टी बनने में, यानी सॉइल बनने में कई साल लग जाते हैं, और 1 सेंटीमीटर उड़ने में या बहने में, मृदा को हटने में तनिक भर समय नहीं लगता। तो चलिए बात करता हूं, वनस्पति मिट्टियों में ह्यूमरस यानी जैविक पदार्थ की मात्रा वनस्पति मिट्टी को डिसाइड करती है। यानी मेरे कहने का मतलब यह था, मिट्टी में ह्यूमरस जो होता है, जैविक पदार्थ जो होता है, वह मिट्टी की दशा और उसके गुण को प्रदर्शित करता है। मिट्टी कई प्रकार की होती है और मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया मृदा जनन कहलाती है। आपको बताना भूल गया, मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको मृदा जनन कहते हैं, इसको इंग्लिश में पेडोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आप अक्सर इस मुद्दे पे बहस करते होंगे अपने मित्रों से, अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में एल्वियम कहते हैं। दूसरा, ब्लैक सॉइल, जिसे हिंदी में काली मिट्टी कहते हैं। तीसरा, रेड सॉइल, जिसे हिंदी में लाल मिट्टी कहते हैं। चौथा, लैटेराइट मिट्टी को लिटराइट मिट्टी ही, यानी सॉइल ही कहते हैं अंग्रेजी में। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल, शुष्क और मरुस्थली मिट्टी, डिजर्ट सॉइल, लवड़ी या अम्ली मिट्टी, इसे क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका आपने नाम सुना होगा, गांव में रेह आदि कहते हैं, इसी को कहते हैं। पीट या दलदली मिट्टी, कुल मिला के 8 प्रकार है। चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं। उसके पहले ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपके डेस्कटॉप पे जो दिख रहा है ये चित्र भारत की मिट्टी का, इसको ध्यान से देखिए। मैंने नंबरिंग किया है, नंबर 1 का मतलब है जलोढ़ मिट्टी से, यानी एल्वियम से। आप देखिए, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जा रहा है। कुछ मात्रा गुजरात में भी है जलोढ़ मिट्टी की। देख लीजिए, मैप है, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कहां कहां क्या क्या मिलता है। नंबर दो का मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी गुजरात,
गुजरात के थोड़े से हिस्से या मान के चलिए ना ही मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। तीसरा नंबर का आप देख ही रहे कहां, मतलब पूरा एक मान के चलिए जो पूर्वी घाट है उसके किनारे किनारे तीसरी यानी लाल मिट्टी पाई जा रही है। चौथा नंबर है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सह्याद्री के इधर दिख रहा है और सारी जगह पे दिख रहा है वहां पे। चलिए ऐसे आप डेटा ये जो देख रहे हैं ये इसमें मैंने नंबरिंग किया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, मैंने नहीं बनाया है ये। आप जिसका भी मैप होगा ये मुझे ये मत कमेंट करिएगा मैंने कॉपीराइट नियम का उल्लंघन किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपकी मदद ली और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पहले नंबर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी भारत में 40% भागों में पाया जाता है। 40% भारत की 40% मात्रा 40% जलोढ़ मिट्टी है, यानी लगभग 15,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 15,00,000 वर्ग किलोमीटर में इसमें रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। यह तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में प्रचुरता से मिलता है। समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। यह दो प्रकार के होता है, यह इसको अध्ययन की दृष्टि से और इसकी नवीनता और प्राचीनता के अध्ययन के लिए इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक को बोलते हैं बांगर जलोढ़ और एक को होता है खादर जलोढ़। आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे जो मैं बोल रहा हूं मैं। पहला बांगर जलोढ़ प्राचीनतम जलोढ़ है जिसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसका रंग हल्का भूरा या काला होता है, आपने देखा होगा। और उसके विपरीत जो खादर जलोढ़ होता है वह नवी मिट्टी है। यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा आई हुई मिट्टी है, यानी नदियों में जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टियां जो आती है उन्हीं को हम बोलते हैं खादर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट, इसमें पहले जलोढ़ मिट्टी में उपजाए जाने वाले फसलों के नाम बता देते हैं। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है और यह इसके लिए प्रयुक्त भी है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, पोटास भी पाया जाता है, लेकिन यह कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। चलिए दूसरी बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, यानी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कपास पाया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय रूप से इसको उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग प्योर काला होता है, प्योर ब्लैक कलर का होता है और इसकी एक खासियत यह है कि ये पानी को बहुत अच्छी खासी मात्रा में अवशोषित करता है, यानी पानी को अवशोषित करता है। और जब पानी इसमें रहता है तो ये बड़ा चिपचिपा टाइप का होता है और जब पानी सूख जाता है तो ये खुद ही फट जाता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसे लगता है कि एकदम दरारें जैसे जोता हुआ खेत हो। तो इसको भारत में स्वतः जुती हुई मिट्टी या स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपरदन और अपक्षरण से हुआ है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु के भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए इसमें जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं, इसमें कपास, मोटे अनाज वाले तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी सब्जियां, खट्टे फल की कृषि बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। इसका सर्वाधिक विकास जो मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि महाराष्ट्र, सर्वाधिक विकास इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी है, वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे। और इसका काला रंग किस कारण होता है, इसका काला रंग आप बता सकते हैं काला रंग क्यों होता है? इसमें उपस्थित मैग्नेटाइट, लोहा और एल्युमिनियम सिलिकेट के कारण इसका रंग काला होता है। चलिए इसको भारत में तीन तरह के देखा जा सकता है, तीन तरह की काली मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में। पहला छिछली काली मिट्टी,
दूसरा मध्यम काली मिट्टी और तीसरा गहरी काली मिट्टी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। यह भी लगभग भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारी वर्षा दशाओं में पाए जाने वाला एक मिट्टी है। इसका रंग प्यूरिक होता है, प्यूरिक ऑक्साइड लोहे का ऑक्साइड होता है, उसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह कृषि योग्य बहुत कम ही, मतलब कहें तो कृषि योग्य नहीं होता है। यह कुछ जमीन के नीचे जमीनी स्तर पे तो लाल दिखता है, लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो इसमें पीलापन नजर आता है। इसका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लें। यह मुख्यतः प्रायद्वीपी क्षेत्रों में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक, पूर्व में राजमहल से लेकर पश्चिम में कठियावाड़ और कच्छ तक पाया जाता है, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है अभी जस्ट। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में भी मिलता है। इसमें रागी, तंबाकू, चावल आदि उपजाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लैटेराइट मिट्टी। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि आप किस विषय में पढ़ रहे हैं। मैं इस वीडियो को जानबूझ के लंबा खींच रहा हूं, क्योंकि कृषि यानी एग्रीकल्चर, संस्कृति और कृषि यानी एग्रीकल्चर एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो जान लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी परीक्षा की तैयारी, जो भी कंपटीशन की है। तो नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं लैटेराइट मिट्टी। यह लैटेराइट मिट्टी का सबसे पहले अध्ययन एफ बुकानन द्वारा 1905 में किया गया था। एफ बुकानन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। यह भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह प्रायद्वीपी भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। यह वहीं पाया जाता है, ज्यादातर देखा गया है यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी का स्वरूप जो होता है वो ईंट जैसा होता है, यानी भीगने पे ये कोमल होते हैं और अगर सूख गए तो एकदम हार्ड हो जाएंगे, कठोर हो जाते हैं। इसमें सामान्यतः चावल, रागी, काजू आदि की उपज संभव है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जमीन होती है। भारत में इसको भी तीन तरह से बांटा गया है, तीन उपभागों में विभाजित किया गया, भूजलीय लैटेराइट, गहरी लाल लैटेराइट और श्वेत लैटेराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा पर्वतीय मिट्टी। इसे बनी मृदा भी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी से हमारा आशय, जम्मू कश्मीर में आप कभी टहलने जाइए या हिमाचल, कुल्लू, मनाली, यहाँ पे जो बन पाए जाते हैं, यहाँ पे जो मिट्टियां पाई जाती हैं, इसी को पर्वतीय मिट्टी कही जाती है। ये मिट्टियां हिमालय की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 300 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः ह्यूमरस की अधिकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफी, मसाले, उष्णकटिबंधी फलों की खेती अधिक से अधिक की जाती है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जमीन होती है। इसमें बड़े बड़े पौधे तो हो सकते हैं, फलों की खेती तो हो सकती है, लेकिन गेहूं आदि खाद्योग्य चीजों को उपजाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं, चलिए छठा नंबर, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट सॉयल। जैसे कि नाम से इसके कंफर्म है कि ये राजस्थान और हरियाणा में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होता है। सातवें नंबर पे आता है लवड़ी व क्षारीय मिट्टियां। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है। यह भारत में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका स्थानीय नाम
रे, कलर, रकार, ऊसर, काल, चापिन आदि है। इस मिट्टी में चूना या जिप्सम मिला के सिंचित कर चावल या गन्ना की खेती की जा सकती है, लेकिन यह मिट्टी कृषि योग्य नहीं होती है। बहुत कठिनाई से इसमें कुछ उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है दलदली या पीट मिट्टी। नाम से ही कंफर्म है कि ये कहाँ पाया जाएगा। आप जानते होंगे कच्छ की खाड़, कच्छ के रण में ये पाया जाएगा। यह एक अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। गीली मिट्टी होने के कारण इसमें धान की खेती संभव है, लेकिन यह माना गया है कि यह जो मिट्टी है यह खेती योग्य नहीं है, यानी कृषि योग्य नहीं है। फेरस आयरन होने से इसका रंग प्रायः नीला देखा गया है। अब दलदली मिट्टी को ध्यान से देखिए, वो नीला दिखता है। इसमें 40-50% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। अब मिट्टी की बात तो कर दिया भारत में, तो अब चलिए देखते हैं कि मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया था आपसे कि भारत में मिट्टी जो है अगर अच्छी हो तो होगा। और एक बात और कही थी कि एनसीईआरटी कक्षा 6 में लिखा गया है कि पूरे विश्व में यानी पृथ्वी में 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि उसका क्षरण सेकंड भर में हो जाता है। उसी क्षरण को रोकने के लिए मृदा क्षरण किया जाता है, उसी के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। देखते हैं कौन कौन सा अभियान है। अपने भारत देश में 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणाम के नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, जिसका कार्य केंद्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना था, यानी लोगों को जागरूक करना था कि जमीन को कैसे बचाई जा सकती है। इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों के निर्माण, जमीन को समतलीकरण, वनारोपण, घास के मैदानों के विकास की बात कही, सुझाव दिया। मृदा की समस्याओं के अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए 8 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI की स्थापना की गई। हाल ही में 2015 की बात है, 19 फरवरी 2015 में से मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता जांच करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। तो चलिए आज बस इतना ही रखता हूं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो 50-60 लोगों को शेयर करिए और कमेंट किया करिए कि अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वो जरूर कमेंट किया करिए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और सब्सक्राइब करना ना